जैसे कि अंकल बता रहे हैं, अंकल ये स्पेशलिस्ट ही व्हील की है, ये व्हील की अलाइनमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, इन्हें करेंगे मतलब ये कि सो हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिम बाइकर विशु। जैसे कि आपको पता है मैं आया हूँ यहाँ पे, पिछली वीडियो देखा होगा आपने, मैं अपने गाइस अपने एडवेंचर का स्पोक्स रिम जो है उनको टाइट करवाने, उनको अलाइनमेंट करवाने के लिए आया हूँ। तो अभी मैं आया हुआ है जज्जू राम व्हील अलाइनमेंट के पास। तो ये इनका शुरू काफ़ी पीछे गिरा था, काफ़ी बड़ा, यहाँ पे ये और भी काम करते हैं गाड़ियों का भी, और ये अपनी बाइक के लग चुका है काम चक्का खुलने का, अभी फ्रंट का करेंगे फिर देन ये रियर का करेंगे। सो ये देख सकते हैं आप, अभी ये अभी फ्रंट रिवील करेंगे, अपना अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद रेयर का व्हील अलाइनमेंट करेंगे। और उसको भी मैं काफ़ी दिन से नोटिस करता था कि मेरे जो अगले टायर थोड़ा बबलिंग कर रहा था, उन्होंने चेक भी किया कि आपके थोड़ी व्हील्स की जो वायर अंदर की जो स्पोक्स है वो लूज हो गई है, तो वो टाइट करनी पड़ेंगे। सो उसके बाद भी थोड़ा आपको फर्क लगेगा, तो अभी वो टाइट करवाएंगे। और ये जरूरी है गाइस, मैंने कंपनी से पूछा था, उन्होंने बोला कि 30,000 किलोमीटर के बाद ये करने ही पड़ते हैं आपको, अलाइनमेंट करवानी पड़ती है। तो भाजी ये 30,000 किलोमीटर तक करवानी पड़ती है अलाइनमेंट, है ना? मतलब मुझे कंपनी ने बोला कि 30,000 के बाद करवा लेनी चाहिए, अगर दिक्कत आ रही है तो, अगर नहीं आए तो चल लेने दो। गाइस व्हील अंदर आ गया, जैसे कि अंकल बता रहे हैं, अंकल ये स्पेशलिस्ट ही व्हील की है, ये व्हील की अलाइनमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, इन्हें करेंगे मतलब ये कि ओके जी ओके। बट इनका पीछे गिरा था, काफ़ी बड़ा गिरा था, कारों का भी डेंटी पेंटियाँ काम करते हैं यहाँ पे, वो इनका बेटा संभालता है और ये जस्ट यही करते हैं, है ना? चले गए जादो। अच्छा ये आपका गैराज है भाजी, गैराज का आप ही देखते हो सारा? अच्छा गैराज में क्या करते हैं काम कारों का? यहाँ पे भैया डेंटिंग पेंटिंग मैकेनिकल सारा। सो गाइस डेंटिंग पेंटिंग मैकेनिकल सारा काम होता है यहाँ पे। अपना जज्जू राम, क्या पूरा नाम? जज्जू राम ऑटोमोबाइल्स के पास। तो यहाँ व्हील्स का भी करते हैं, इनके पापा जो व्हील्स की स्पेशलिस्ट है, इनका लड़का है और ये कारों का देखते हैं सारा काम। बढ़िया यार, अच्छा लगा, थैंक यू भैया। चलो अगर आप भी आ रहे हो गाइस तो जरूर विजिट कर लेना, देखते हो अगर आपको मिल जाए, अगर स्पोक्स का करवाना वो भी करवा सकते हो, स्पोक्स वाले तो डेफिनेटली आएंगे बंदे भी, वो तो पापा करते ही हैं वो। अगर कारों की जरूरत पड़े तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना, जज्जू राम ऑटोमोबाइल्स 82 सेक्टर में पड़ता है मोहाली में। सारी लूज आ रही है ना, रिम बैंड तो नहीं है, ठीक है ना? तो करनी पड़ती है ना, सारे काम करने के बाद अलाइनमेंट करनी पड़ती है। ओके ओके ओके। और ये अपना फ्रंट व्हील हो गया गाइस, अलाइनमेंट परफेक्ट, स्पोक्स टाइट हो गई हैं, अलाइनमेंट भी हो गई है, अब इसको फिट करेंगे, देन लेके आएंगे अपना रियर वाला व्हील, फिर वो भी करेंगे सेम ऐसे ही, फिर काम डन। ओके तो ये गाइस चल रही है अपनी लॉन्ग राइड से पहले ही प्रिपरेशन, अभी हमने देखते हैं कहाँ जाएंगे, स्पीति या लद्दाख, उससे पहले की प्रिपरेशन चल रही है। हो गया टैंक फिट अपना और अलाइनमेंट भी हो गई है। हाँ जी, मेरे रेफरेंस देंगे सारी कंपनियों में, हार्ले एडविशन हो गई, टाइगर होगी, टाइगर के भी आते हैं, ट्रैम्प में भी। अरे क्या बात है जी, यानी कि बढ़िया जगह आया हूँ भाई कार काम कराने। तो अंकल भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी जो स्पोक्स रिम सीधे करते हैं, अब रेयर चक्का खुलेगा हमारा, अब उसका नंबर लगेगा, फ्रंट का तो हो गया, अब रेयर वाले का नंबर है। तो बस मेरा जो पिछला टायर था ये ट्यूबलेस था, इसको खोलने में बड़ा टाइम लगा, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है ये, एक बार फिट हो जाते फिर खोलने में बहुत टाइम लगता है उनको। और अपने रेयर व्हील का काम शुरू हो गया, अभी स्पोक टाइट हो रही है, फिर उसके बाद इसकी अलाइनमेंट होगी। ये वायरिंग भी फॉल्टी निकला है रेयर चक्के से, और ये रिप्लेस कर दिया है, ये नया डल गया, अब ये ख़राब था, इसमें लचक की है, आवाज़ कर रहे थे घूमते हुए, ये देखो आपको नहीं आएगी, मुझे फील हो रहा है। तो अब ये भी चेंज हो गया, अब जस्ट टायर फिट होएगा और ट्यूब फिट होएगी, फिर निकलते हैं यहाँ से। लो जी गाइस, चक्का फिट हो गया रेयर वाला भी, बाकी डिस्क पैड बढ़ने वाले हो गए, ये टाइट कर दोगे इसकी, ये है इनकी हल्की सी टाइट कर दो बस, लूज होती है चलते चलते, फिर ये
इधर भी कर दो, मैं आगे जाके करवाता हूँ उनसे। ठीक है जी, लो जी गाइस लैंडमेंट हो गई है, निकलते हैं चला के देखते हैं गाड़ी में कितना फ़र्क आया चलने में, वो आपको मैं मोटोलो की मोड़ में बताता हूँ। अब पेमेंट करता हूँ यहाँ पे, फिर निकलता हूँ यहाँ से। पेमेंट फ्रंट के लिए इन्होंने अपने से 500 और रियर के 800 रुपये है ना जी, ये प्राइस है उनका इस बाइक के। बुलेट के 300 रुपये लेते हो आई गेस? बुलेट के 300 भी है, किसी का 400। अच्छा, किसी के बाइक का हिसाब है? बाइक के हिसाब से होता है, जिस व्हील में ज़्यादा मेहनत होती है उस हिसाब से पैसे लगते हैं। अच्छा जी, तो जिस व्हील में जितनी ज़्यादा मेहनत होती है पैसे। तो निकलते हैं, लेट हो रहे हैं यार, ऑफिस जाना है मैंने। मिलते हैं आपको सीधा मोटोलो की मोड़ में। लो जी गाइस, फिर हम पेमेंट करके निकल आए हैं। पेमेंट बननी है अपनी टोटल जो व्हील के अलाइनमेंट के लिए अंकल ने वो 1300 रुपये लिए हैं, बट थोड़ा सा डिस्काउंट दिया उन्होंने। मैंने एक अपना और इसमें एक पड़ा था अपना, क्या बोलते हैं उसको, वायरिंग भी पड़ा है जो कि थोड़ा सा पिछले चक्के का एक ख़राब था, मतलब कि उसमें घूम नहीं रहा ठीक से, वो भी डाला उन्होंने वायरिंग। तो टोटल पेमेंट लिया अपने 1400 रुपये। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, निकल ही चुका हूँ ऑलमोस्ट, घर पहुँचता हूँ, उसके बाद ऑफिस में निकलना गाइस। तो गाइस ये प्रिपरेशन चल रही है अपनी लॉन्ग राइड की, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। अपना ये भी हो गया काम, व्हील वाला काम तो हो गया और हैंडल बार के राइजर भी लग गए, जैसे इसकी वीडियो आ गई होगी आपने देखा होगा, छोटे छोटे काम करा ही रहा हूँ अभी भी। ये सारे काम डन करवा के फिर जाएंगे हम लॉन्ग राइड अपनी करेंगे। और एक बात बताऊँ, अलाइनमेंट कराने के बाद चक्के की जो हल्की थी ना वो दिक्कत, वाइब्रेशन ब्रेक मारने की दिक्कत थी, ऐसे ब्रेक मारता चक्का ऐसे होता था अगला चक्का, बिकॉज इसलिए क्योंकि चक्का ये तो अलाइनमेंट थोड़ी टेढ़ी होगा, चक्का थोड़ा बैंड हो रखा था हल्का था। और सेकंड किसके स्पोक्स थे वो लूज हो गए थे, रेयर वाले के स्पोक्स भी बिल्कुल लूज हो गए थे। तो जैसे कि अंकल ने भी बताया मुझे कि आपको जैसे आपने नई बाइक लिया तो 10-15 हज़ार के बाद करवा दिया करो, उसके बाद एक बार चेक कराने हैं कि व्हील तारे लूज ना हो, चेक करते रहना कि तारे लूज है कि नहीं है। जैसे मेरी नई बाइक थी मैंने एक बार भी इसको टाइट नहीं करवाया था एक बार भी, अब देखो चक्का कितना, गाड़ी बिल्कुल बढ़िया जा रही है हैंडल, और ब्रेकिंग मारने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखो ये तो पहले मुझे ब्रेक मारते वक्त थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता था, डर लगता था कि गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी, मतलब ऐसे ब्रेक मोड़ टेढ़ी हो जाएगी। ये देखो अब बिल्कुल स्ट्रेट रुकती है, ये चीज़ चाहिए थी अपने को, और ये हो गई है। और टाइम हो गया इस समय दोपहर के 1:30 बज चुका गाइस, बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी से घर पहुँचना। मुझे एक काम और करना था कि अब चक्का खुला है तो उसका मुझे क्या बोलते हैं अपनी रेयर चक्के की चैन की लाइन चैन भी सेट करानी पड़ेगी, बिकॉज चक्का खुलने के बाद चैन की भी सेटिंग हिल जाती है ना। बट चलने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फिर भी एक बार चेकिंग करानी पड़ेगी। और पिछले जो अपने ब्रेक पैड थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डन ही है, थोड़े से ही बचे हैं बेचारे, अब वो भी चेंज कराने पड़ेंगे इसके। गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो आप मेक श्योर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी गाइस, आपको बताया कि स्पोक्स कैसे सीधे होते हैं इसके बाइकों के, इन बाइकों के अगर इन बाइकों के स्पोक्स टेढ़े होते हैं तो कैसे सीधे होते हैं। करवा लिए ये भी काम हो गया, अब बचा है अपना काम, यही था मेन काम तो जो मुझे सीधा करवाने थे, बाकी तो ऑलमोस्ट जो छोटा मोटा काम सर्विस बची है और सर्विस करवा के निकलेंगे इसके बाद। चलो जी, तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो गाइज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते और शेयर भी करते। टेम्पो में बैठे थे बेचारे ये लोग, देख रहे हैं मेरे को पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, देखो ये सोच रहे हैं कैमरा पता नहीं क्यों लगा रखा है। सो गाइज़ वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। अब मिलते हैं आपके यार नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग। सो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट मिलेंगे ऐसे किसी अच्छी एडवेंचर राइड के साथ। बाय बाय।